Hello students, today we will start very very important topic of sequence, Cauchy general principle of convergence. Okay, इसकी statement क्या है? A sequence is convergent if it is a Cauchy sequence. ये Cauchy sequence क्या है? Cauchy sequence क्या है? जैसे पहले हम convergent निकालते थे to find the limit of convergence, हम कहते हैं x n tends to l. तो Cauchy सीक्वेंस में क्या है बेटा, हम विदाउट फाइंडिंग द लिमिट वी प्रूव सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. इसमें हम लिमिट फाइंड नहीं करेंगे, ऐसी प्रूव करेंगे सीक्वेंस क्या होता है बेटा, कन्वर्जन होता है बाय यूजिंग Cauchy सीक्वेंस. इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले हम फाइंड करें Cauchy सीक्वेंस क्या होता है. गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, ठीक है, देयर एग्जिस्ट a positive integer t such that t जो depend करता है किस पे, depend upon epsilon. जो t है बेटा किस पे depend करता है, epsilon, such that xn minus xm less than epsilon for n m greater than equal to t. ठीक है, इसकी और definition भी है, वो क्या है, हम m को n प्लस p पुट कर दिया तो क्या डेफिनेशन है बेटा, x n प्लस p माइनस x n लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m. p क्या है बेटा, बट बेटा हमने m को n प्लस p किया है. m क्या है, एक नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, p क्या है, नेचुरल, m को क्या लिखा मैंने, n प्लस p. एक n द डेफिनेशन है Cauchy सीक्वेंस. तो Cauchy सीक्वेंस में क्या है बेटा, विदाउट फाइंडिंग द लिमिट वी प्रूव कन्वर्जेंस. सीक्वेंस को क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्जेंट. तो फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं बेटा Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज ए Cauchy सीक्वेंस. लेट, मैंने क्या लिखा बेटा, जो सीक्वेंस है लेट एक्स एन सीक्वेंस है कन्वर्ज टू एल, मैंने ले लिया कन्वर्ज कर रहा है किसको, एल को. मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी, मेरा टारगेट ये है बेटा. ओके, तो बाय डेफिनेशन एक्स एन किसको टेंड्स कर रहा है, एल एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी. तो मैंने क्या लिखा बेटा, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी. लेट, मैंने एक एम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर जो टी से क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई ना कोई नंबर तो होगा एम जो टी से क्या होगा, व्हाट इज टी, टी इज ए नेचुरल नंबर बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर है तो एम कोई नंबर ले लिया जो इससे ग्रेटर है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी एक्स एम माइनस एल, तो यहाँ पे एक्स एम माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी. तो बेटा मैं इसको ऐसे एन एम एक्स एन माइनस एक्स एन, तो मैंने क्या लिखा बेटा, इसमें एल प्लस कर दिया, एल को क्या किया मैंने माइनस, लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मोड, एक्स एन माइनस एल प्लस एल माइनस एक्स एन. तो क्या आ गया बेटा, लेस देन सॉरी इक्वल टू एक्स एन माइनस एल भी राइट, एक्स एन माइनस एल बिकॉज ए माइनस बी का मोड लेस इक्वल टू बी माइनस ए. तो क्या है बेटा, आ गई लेस देन बेटा, यहाँ पे टू टर्म्स आ गई, तो आप क्या करो, एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू, वी टेक एप्सिलॉन. सो एक्स एन माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी. ओके, सो ये था बेटा कन्वर्जेंट गिवन है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया बेटा, ये क्या है Cauchy सीक्वेंस. अब मेरे पास क्या गिवन है, Cauchy सीक्वेंस मैंने क्या प्रूव करना है बेटा, कन्वर्जेंट प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है बेटा, मैंने कन्वर्जेंट, तो मैंने ये ले लिया बेटा इसको, लेट जो सीक्वेंस है एक्स एन क्या है बेटा, Cauchy सीक्वेंस. अब कन्वर्सली कर रहा हूं बेटा इसको मैं, ध्यान देना. तो बाय डेफिनेशन क्या आ गया बेटा मेरे पास,
एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ओके, तो आप देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो मैंने एम को क्या ले लिया बेटा टी, तो क्या आ गया मेरे पास एक्स एन माइनस एक्स टी लेस देन एप्सिलॉन फॉर, ठीक है बेटा ये ले लिया एक्स एन माइनस एक्स टी लेस देन क्या आ गया मेरे पास बेटा एप्सिलॉन। तो फर्स्ट भी प्रूव मैं क्या प्रूव कर रहा हूं बेटा, एक्सन क्या है बाउंडेड सीक्वेंस है। पहले मैं ये प्रूव कर रहा हूं एक्सन क्या है बाउंडेड, बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, एक्सन मॉडुलस लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन। तो बेटा मैंने क्या लिखा एक्सन मॉडुलस, तो यहां पे मैंने एक्सन एक्स टी प्लस एक्स टी क्या किया बेटा मैंने माइनस, ओके ये ले ली मैंने एक्स टी। तो यहां पे क्या है बेटा लेस देन इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स टी प्लस एक्स टी, ठीक है थ्योरम लगाती है ए प्लस बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए मॉडुलस प्लस बी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ओके दिस वन इज ए लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स टी फ्रॉम दिस। ये किसके लिए है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी, हम इसको बाउंडेड नहीं कह सकते बेटा क्योंकि फोर किसके लिए है बेटा एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी के लिए। और आप देखो जो मेरे पास है एक्स एन मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन प्लस एक्स टी द मॉडुलस, तो मैंने जो बाउंडेड प्रूव करते हैं वो किसके लिए करते हैं फॉर ऑल एन। तो इसके लिए मैं क्या करना है बेटा, देखो आप ये डायग्राम ना लो यहाँ पे एन, ये क्या है मेरे पास एक्स एन, जब एन की वैल्यू टी या टी से ज्यादा है जैसे ये टी, ये प्रूव करना है ये क्या है मेरे पास एप्सिलॉन प्लस एक्स टी द मॉडुलस, जब इसकी वैल्यू टी या टी से ज्यादा है तब इसकी जो वैल्यू है एक्स एन की जैसे टी प्लस वन पे ये आ गया टी प्लस टू पे ये आ गया टी प्लस थ्री पे ये आ गया इससे कम है, इससे पहले टी माइनस वन टी माइनस टू वन टू इसके इससे पहले ये कहां पे है बेटा ऊपर इससे ज्यादा है। तो मैंने एक वैल्यू ले ली बेटा एक फिक्स कर लिया एम। अब देखो m क्या है, लेट m क्या ले लिया मैंने मैक्सिमम ऑफ किसका एप्सिलॉन प्लस x1 का इससे ऊपर, एप्सिलॉन प्लस x2 का लास्ट, एप्सिलॉन प्लस xt माइनस 1 मैंने ये ले लिया। इससे क्या है बेटा नीचे नीचे आ रही है वैल्यू देखो, तो मेरे पास जो xn है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ गया एम फॉर ऑल एन। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया ये तो बाउंडेड प्रूव कर दिया बेटा। इसके बाद ये क्या हो गया बेटा मेरे पास बाउंडेड आ गया। अब मैंने क्या प्रूव करना है, मैंने प्रूव करना है ये कन्वर्जेंट है बेटा। मेरी लास्ट वीडियो में वो जाना वेयरस्ट्रास थ्योरम में मैंने आपको प्रूव किया है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। वी नो दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एक्स एन के टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी then by definition minus l less than epsilon by 2 ले लीजिए पहले n k greater than equal to t। तो मेरे पास आप देखिए n भी greater than equal to t है, ठीक है n k भी greater than equal to t है, then n and n k greater than equal to t, then by definition of Cauchy sequence तो मेरे पास क्या है बेटा एक्स एन माइनस एक्स एन के लेस देन एप्सिलॉन बाई टू फॉर एन एन के ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो मेरा टारगेट ये था, मैंने प्रूव करना है सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, मैंने क्या प्रूव करना है बेटा एक्स एन कन्वर्जिस टू एल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने प्रूव करना है लेस देन एप्सिलॉन, तो एक्स एन माइनस एल मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा एक्स एन के प्लस कर दिया एक्स एन के माइनस कर दिया, ओके तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिस वन एक्स एन माइनस एक्स एन के प्लस एक्स एन के माइनस है। तो
तो ये क्या है बेटा, लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू, ये क्या आ गया बेटा, लेस देन एप्सिलॉन। तो मेरे पास क्या है बेटा, एक्स एन माइनस है लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो मैंने ये क्या प्रूव कर दिया, जो सीक्वेंस है वो क्या है बेटा, कन्वर्जेंट है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जांपल्स करूंगा बेटा, कोशी सीक्वेंस की। सो थैंक यू वेरी मच।